गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके लिए चार क्वांटम संख्याएं होती हैं, फोर क्वांटम नंबर्स होते हैं, और इन चार क्वांटम संख्याओं के आधार पर किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेबल किया जा सकता है। इन चार क्वांटम संख्याओं के आधार पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पहचान की जा सकती है, और ये चार जो क्वांटम संख्याएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहली जो होती है वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। क्लियर? इसे स्मॉल एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, चार क्वांटम संख्याएं होती हैं इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए, और इनमें से पहली अपन पढ़ रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट किसके द्वारा किया जाता है? स्मॉल एन के द्वारा। स्मॉल एन बराबर होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब कोई भी एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्ण संख्या, इंटीजर होती है। यह मूल बोर मॉडल के मुख्य कोष को दर्शाता है, और ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये किसके बारे में अपन को? कोष के बारे में बताती है। क्लियर? यदि n का मान, आगे देखें, यदि n का मान 1, 2, 3 एंड 4 है तो इसको अपन बोलेंगे k कोष, इसको अपन बोलेंगे l, इसको बोलेंगे m और इसको बोलेंगे n एंड सो ऑन। क्लियर? अब देखिए, थोड़ी देर पहले अपन ने कहा था कि एक जो कक्षा या कोष है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2n² ध्यान रखना है, थोड़ी देर पहले भी बात की थी अपन ने। तो अगर मैं k कोष की बात करूं, जब मेरा n का मान 1 होगा तो कौन सा कोष होगा? k कोष या k शेल, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने हैं, तो 2 × 1² बराबर, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ऐसे ही देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? के शेल बराबर 2 × 1² बराबर 2। क्लियर? अगर मेरा n का मान 2 होगा तो उसको कौन सा शेल बोलेंगे? l कोस बोलेंगे, और उसके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 2² 2 का स्क्वायर बोलो कितना हो गया? 4 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। क्लियर? ऐसे ही अगर n का मान 3 होगा तो उसको अपन कौन सा कोस बोलेंगे? m, और उसके लिए वैल्यू जब लिखोगे तो n की वैल्यू कितना रखेंगे? 3। तो ये देखना कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। कोस की बात कर रही हूँ, ध्यान रखेंगे n बराबर 4 है तो n कोस होता है, और वहां पे क्या रखोगे बोलो? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हो गए? 32। क्लियर? ध्यान रखेंगे आप लोग, और ये कहाँ से मैंने निकाले हैं ये भी आप लोगों को पता है। देखिए, मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ, पहली क्वांटम संख्या अपन पढ़ रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डिनोट किसके द्वारा किया जाता है? एन से। एन का मान फुल इंटीजर होता है, 1, 2, 3, 4। किसके बारे में जानकारी देती है हमें? कोस के बारे में जानकारी देती है। यदि एन का मान 1 है तो उसको के कोस बोलेंगे, 2 है तो L, 3 है तो M, 4 है तो क्या? N। अब इस कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? 2n² जहां पे N की वैल्यू पता है, कैसे रखेंगे? अगर मान लीजिए मैं K कोष की बात कर रही हूँ तो N की वैल्यू बोलो कितना होगा? 1। L की बात करूंगी तो 2, M की बात करूंगी तो 3, N की बात करूंगी तो 4। क्लियर? अब मैं बोल रही हूँ कि मान लीजिए एन बराबर 1 है तो कौन सा कोष हो गया मेरा? के कोष। उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसके द्वारा निकालेंगे? 2n² के द्वारा। तो यहाँ पे n अपन को पता है, n बराबर k कोष के लिए कितना होगा? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। ऐसे ही अगर l है तो वहां पे कितने होंगे? 8। m में कितने होंगे? 18। और n में कितने होंगे? 32। ये मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा प्रथम कोष होगा उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। द्वितीय कोष में कितने रहेंगे? 8। तृतीय कोष में कितने रहेंगे? 18। और चतुर्थ कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 32। क्लियर? ये तो बात हो गई मेरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो होती है वो
किसी भी परमाणु के साइज के बारे में बताती है कि उसका आकार कितना है। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें किसी भी परमाणु के साइज के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइज का मान भी बढ़ेगा। क्लियर, तो ध्यान में रखना है, ये हमारी फर्स्ट क्वांटम संख्या हो गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे देखिए, दूसरे वाली जो क्वांटम नंबर है वो कौन सी है? देखिए, दूसरे वाली क्वांटम संख्या को अपन बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्लियर। इसी को अपन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर, आगे देखिए, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? एल के द्वारा डिनोट करते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन ने किससे डिनोट किया था? एन से। इसको मैं किससे डिनोट कर रही हूं? एल से। यह मुख्य कोष से संबंध, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रही थी कोष के बारे में, और ये किसके बारे में बताती है? उपकोष के बारे में। ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कोष के बारे में, ये बताता है उपकोष के बारे में। इसका मान n के मान पर निर्भर करता है, n के मान पर निर्भर करता है, और इसका मान 0 से n माइनस 1 होता है। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, अगर मैं बोलूं कि n बराबर 1 है तो l बराबर n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 बोलो कितना होगा? 0। क्लियर, अगर n का मान 2 है तो l का मान देखना कितना होगा? यहाँ पे 2 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 0 एंड 1। यदि n का मान मैं 3 लूंगी तो l का मान देखना कितना होगा? 0 1 2। क्लियर, अगर मैं n का मान 4 लूंगी तो l का मान होगा 0 1 2 एंड 3। क्लियर, तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक यहाँ पे लिख सकती हूँ कि n का मान हमेशा ग्रेटर देन होगा बोलो किससे? l से। क्लियर, क्योंकि l का मान अपन क्या बता रहे हैं? 0 से n माइनस 1, n से हमेशा क्या होगा? कम। अब देखिए एक बात और देखिए आप लोग, कि जब l का मान 0 होगा तो वहां पे कौन सा उपकोष होगा? s। अगर 0 और 1 है तो वहां पे होंगे s एंड p, यहाँ पे होंगे एस पी डी, और यहाँ पे होंगे एस पी डी एफ। यहाँ पे कितने उपकोष होंगे? तो आप देख रहे हो n बराबर 1 मतलब जो पहला मेरा कोष है उसमें कितने उपकोष हैं? 1, 2। n बराबर 2 दूसरा जो कोष है उसमें कितने उपकोष हैं? 2। तीसरे कोष में कितने उपकोष हैं? 3। और चौथे कोष में कितने उपकोष हैं? 4। क्लियर, मैं लिख सकती हूं ना, तो अपन लिखते भी हैं कि L का मान 0, 1, 2, 3, तो ये S उपकोष होता है, ये P होता है, ये D होता है, और ये कौन सा होता है? F। क्लियर, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अपन की एक जो उपकोष होता है, चूंकि यहाँ पे S देखिए, S में एक ही उपकोष होता है, P में बताओ कितने होते हैं? 3। D में बोलो कितने होते हैं? 5। और F में बोलो कितने होते हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये वाली बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, S में कितना, S, P, D एंड F, ठीक है। और ये देखिए इधर, एक कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। तो यहाँ पे, और वो भी विपरीत चक्रण के साथ, तो S में अधिकतम कितने, S उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। P में बताओ कितने होंगे? 2, 4, और कितने हो जाएंगे? 6। D में देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 × 2 कितने हो गए? 10, क्योंकि एक में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे विपरीत चक्रण के साथ में। और F में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 का मतलब बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हो, S में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो? 2। P में कितने भरते हो अधिकतम? 6। D में कितने भरते हो? 10। और F में कितने भरते हो? 14। क्लियर, तो ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर, अब मैं बात करती हूँ देखिए इन कोषों की, कि जब प्रथम कोष होगा, तो देखिए इधर देखिए, अब मैं बात कर रही हूँ कोष की, जब n बराबर 1 होगा इसका मतलब प्रथम कोष होगा, उसमें केवल एक उपकोष है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। क्लियर,
अब मैं बात करती हूँ दूसरे कोष की। दूसरे कोष में देखो कौन से दो उपकोष हैं, एस एंड पी। एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दो। पी में कितने रहेंगे, छह। इसका मतलब दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आठ। ऐसे ही जब मैं तीसरे कोष की बात कर रही हूँ, एन बराबर थ्री का मतलब तीसरा कोष हो गया, वहां पे देखना कितने उपकोष हैं, वन टू थ्री। और इसमें कितने, एस के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो। पी में कितने हैं, छह। और डी में कितने हैं, दस। टोटल देखना जरा कितने हो गए, अट्ठारह। क्लियर। और चौथे जब मैं कोष की बात करूंगी, चौथे कोष की जब मैं बात करूंगी, तो अपन बताओ यहाँ पे कितने उपकोष हैं, चार। वन टू थ्री फोर, इसमें कितने भरे जाएंगे, दो, छ, दस और चौदह। बोलो कितने हो गए, बत्तीस हुए क्या। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, टू एन स्क्वायर। तो जब आप एन का मान वन रखते हो तो कितने आते हैं, दो। एन का मान जब आप दो रखते हो तो कितने आते हैं, आठ। तीन रखते हो तो कितने आते हैं, अट्ठारह। और चार रखते हो तो कितने आते हैं, बत्तीस। और ये बत्तीस कैसे आए, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। क्लियर। तो देखिए ये बात अपन ने की थी कोष की, एक कोष में अधिकतम टू एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। प्रथम कोष जब एन का मान वन होगा तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में आठ होंगे, तीसरे में अट्ठारह और चौथे में कितने होंगे, बत्तीस। और ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको भर के भी बता दिए कि यहाँ पे केवल एस उपकोष होगा, एस और पी होंगे, एस पी डी और यहाँ पे एस पी डी एफ। और ये देख लीजिए एन का मान जब वन है तो दो है, दो है तो कितने हैं, आठ, तीन है तो अट्ठारह और चार है तो बत्तीस। तो होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। क्लियर। अब देखिए ये दिगंत से जो क्वांटम, अब अपन ने बात की थी कि जो अपनी मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो किसके बारे में बात कर रही थी, परमाणु की साइज के बारे में, कि जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, बोलो, परमाणु का साइज भी बढ़ेगा। लेकिन जो ये अपनी दिगंसी क्वांटम संख्या है ये किसके बारे में बात करती है, आकृति के बारे में। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। और आकृति के बारे में अपन लोग बात कर चुके हैं कि ये जो मेरा एस कक्षक होता है ये कैसा होता है, गोलाकार। पी बोलो कैसा होता है, डम्बलाकार। और डी कैसा होता है, डबल डम्बलाकार। और एफ भी डबल डम्बलाकार, लेकिन इसकी जो आकृति होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए इसको अपन पढ़ते नहीं है। क्लियर। तो ध्यान में रखेंगे एस की आकृति गोलाकार, स्फेरिकल, पी होता है डम्बलाकार और डी होता है डबल डम्बलाकार। क्लियर। ये मेरी हो गई दूसरी क्वांटम संख्या। क्लियर। अब मैं बात कर लेती हूँ थर्ड क्वांटम संख्या की, जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको अपन कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम नंबर इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। अब देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, देखिए कक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, अतः किसी चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार अभिविन्यासित होंगे, इसके लिए अपन कौन देते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसका मतलब ये क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को बताती है। और इसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, स्मॉल m के द्वारा। क्या आप दोबारा सुन लें, कक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन जब कक्षीय गति करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार अभिविन्यासित होते हैं, इसके लिए क्वांटम संख्या कौन सी काम में आती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसका मान किस पे डिपेंड करता है, एल पे। इसका मान देखिए कहां से कहां तक होता है, माइनस एल से प्लस एल तक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल का मान कहां से कहां तक निर्भर कर रहा था, जीरो से एन माइनस वन। और एम का मान एल पे निर्भर करता है, माइनस एल से प्लस एल, जिसमें कौन शामिल होता है, शून्य भी। अर्थात एम के जो कुल मान होते हैं वो किससे निकाल सकते हैं, ट्वेल्व प्लस वन से अपन निकाल सकते हैं। क्लियर। अब मान लीजिए एल का मान जीरो, जीरो का मतलब बताओ कौन सा उपकोष हो गया, एस उपकोष। क्लियर। तो इसके लिए एल का मान, एमएल का मान बोलो कितना हो गया, जीरो। क्लियर। एमएल का मान भी जीरो हो गया। अब मैं बात कर लेती हूं कि यदि मेरा एल बराबर वन है, ठीक है, एल बराबर वन का मतलब बोलो कौन सा उपकोष हो गया,
पी उपकोश हो गया। अब इसके लिए एमएल के मान निकालने हैं मुझे। एमएल के मान बोलो कहां से कहां तक होंगे, माइनस एल से प्लस एल। तो मैं कैसे कर दूं, प्लस सॉरी पहले माइनस वन देन जीरो एंड देन बोलो क्या होगा, प्लस वन। और देखो पी के ये मैं तीन सब सेल बना देती हूँ, ये लीजिए, क्लियर। अब मान लीजिए एल का मान यदि दो है तो बोलो कौन सा, डी उपकोष होता है, सब बच्चों को पता है। और इसके लिए जब आप एम एल के मान लिखोगे तो बोलो माइनस एल से प्लस एल। तो कैसे कर दूं, प्लस का दो प्लस का एक जीरो माइनस एक एंड माइनस दो, और ये अपन को पता है 5D के बोलो क्या हो गए, सब सेल। और ऐसे ही यदि L का मान 3 है तो कौन सा उपकोष हो गया, F उपकोष। और उसके लिए ML के मान बोलो कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, माइन सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, माइनस ये प्लस प्लस, घटते से बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, ये माइनस थ्री फिर माइनस टू माइनस वन जीरो फिर प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री, क्लियर। ये अपने क्या आ गए, 7 उपकोश, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्लियर। तो ये अपनी बोलो कौन सी वाली हो गई, ये अपनी हो गई चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्लियर। और अब मैं बात करती हूं अपनी चौथी क्वांटम संख्या की, जिसको अपन बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, क्लियर। देखिए चौथी जो क्वांटम संख्या है उसको अपन बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, या इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक सॉरी चक्रण सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है एस से। और अब अपन को पता है इलेक्ट्रॉन या तो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज या बोलो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो अगर इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो चक्रण का मान होगा प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो बोलो क्या होगा, माइनस का हाफ। तो अपन देख सकते हैं कि जो ये चक्रण क्वांटम संख्या है ये अपन को किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। थैंक यू।